अपना आइडिया दूसरों के दिमाग में भी डाल लेते हैं, दूसरों के जेब के पैसे चतुराई से अपनी जेब में भी डाल लेते हैं। बोले कौन? बोले पत्नी। फिर तो हम चुनाव में खड़े होते हैं। कि संग संग रहूंगा मैं तेरे सदाचार की तरह। कहानी थोड़ी इल्मी है। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन दुनिया वही है कि नाम ना भी जानते हो तो बताना पड़ता है। मेरा नाम है शैलेश लोढ़ा और मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूं और कहता हूं कि जिंदगी में अच्छा करना चाहिए, लेकिन आदमी अच्छा करने की कोशिश करे और कुछ गड़बड़ हो जाए तो बात अलग है। जैसे एक क्लास में टीचर कह रहे थे बच्चों को, देखो बच्चों कई किस्म के लोग होते हैं और दुनिया में मुश्किल काम करते हैं। एक मुश्किल काम वो होता है अपने सुझाव और आइडिया को दूसरे के दिमाग में डाल देना। दूसरा मुश्किल काम यह होता है लोगों का पैसा चतुराई से अपनी जेब में डालना। अब बताओ ये कौन करता है? बच्चों का जवाब नहीं आया। बोले मैं बताता हूं, वो व्यक्ति जो अपने आइडियाज को दूसरों के दिमाग में डाल देता है उसे कहते हैं शिक्षक, और वह व्यक्ति जो दूसरों के पैसे अपनी जेब में डाल लेता है उसे कहते हैं चतुर व्यापारी। लड़का खड़ा हुआ, बोले हम एक को जानते हैं जो दोनों काम कर लेते हैं। बोले क्या? बोले देखो अपना आइडिया दूसरों के दिमाग में भी डाल लेते हैं और दूसरों के जेब के पैसे चतुराई से अपनी जेब में भी डाल लेते हैं। बोले कौन? बोले पत्नी। बीवियां कमाल करती हैं। जैसे एक पत्नी अपने पति को बोली, कपड़ा पहन के देखो ना, मैंने 12 साल पहले खरीदा था इसे और अभी तक इसकी फिटिंग वैसी की वैसी है। पति बोला शर्म कर, थोड़ी शॉल है ये। यहाँ वो लोग बैठे हैं जिनकी फिटिंग बड़ी कमाल की है। फिटिंग कमाल की इसलिए कि लोगों के दिमाग में फिट हो जाते हैं। हालांकि एक को फिट होना थोड़ा मुश्किल है, वो अपने कपड़ों में भी बड़ी मुश्किल से फिट हो रहा है। सांस ले ले उत्कर्ष, ले ले सांस ले ले, उत्तम रहेगा ये उत्कर्ष। उत्तम है जो रायबरेली से आते हैं, ज्वेलरी की इनकी दुकान है, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, फार्मेसी में डिप्लोमा कर रहे हैं और कविताएं भी करते हैं। तालियां बजाइए इनके लिए। इनके पास कीर्ति काले बैठी है। कीर्ति काले को मैं बरसों से जानता हूं और कीर्ति काले हिंदी कवि सम्मेलन की एक बड़ी प्रसिद्ध कवित्री हैं और जिनका बड़ा नाम है। आज हमारे बीच में अपने हास्य गीत से वो कमाल करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। और पास में बैठे कमल माहेश्वरी जी, आप क्यों बैठे? जी सर, आपने बुलाया इसलिए। अच्छा, मैं नहीं बुलाता तो खड़े रहते। फिर तो हम चुनाव में खड़े होते। वाह, और इनका चुनाव चिन्ह होता गुटखा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इन तीनों का, कहिए वाह भाई वाह। आइए महफिल की शुरुआत करते हैं, बुलाते हैं उन्हें जिन्होंने कहा कि आपने बुलाया इसलिए आप बैठे हैं, तो अब बैठे मत रहिए। कमल माहेश्वरी चले आइए जोरदार तालियों के साथ। कमल माहेश्वरी मेरे गांव की तरफ से, मेरे जिले की तरफ से आपको नमन करता हूँ। धन्यवाद। वाह भाई वाह का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। कमल माहेश्वरी जी, मार्बल की नगरी जो बड़ी प्रसिद्ध है किशनगढ़ राजस्थान में, जो अजमेर के पास है, और वहाँ के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ से आते हैं, आ रही? हाँ जी, मैं हास्य का कवि हूँ। क्या बात कर रहे हो? आप सभी को हंसाने के लिए मैंने इस धरती पर अवतार लिया। ओ हो हो हो, ये बात तो है जी। तो सुनिए हास्य की कविता जी कमल भाई कि मैंने एक कविता लिखी, शीर्षक है खुजली। ओहो, मैंने एक कविता लिखी, शीर्षक है खुजली, लिखते ही मेरे ही चली। लिखते ही मेरे ही चली, चली तभी तो लिखी। हाँ। और जिस जिस को भी सुनाई उसमें भी चलती दिखी। कविता लिखकर हुआ परेशान, कविता लिखकर हुआ परेशान, जिसे सुनाऊं वही अंतर ध्यान। मैंने सोचा रहा परम आदरणीय शैलेश जी लोढ़ा भाई साहब के पास चलते हैं, इन्हें ही सुनाते हैं, अपनी खुजली मिटाते हैं, लेकिन इन्हें वहां श्यम खुजाते देख। अच्छे।
लेकिन इन्हें वहां स्वयं खुजाते देख मैं डर गया, दहशत में भर गया। इन्होंने पहले से ही 3 कविता कर रखी थी तैयार, कर रहे थे इंतजार आए कोई शिकार। जैसे ही पहुंचा मैं गेट में, आ गया इनकी चपेट में। बहुत अच्छे। इनके हाथ में 3 कविताओं के 9 पन्ने देखकर मेरी आत्मा जल रही थी, इनके तो खुजली मुझसे भी ज्यादा चल रही थी। इनके तो खुजली मुझसे भी ज्यादा चल रही थी। ये कवि बड़े, मैं छोटा, अपनी सुनाए बगैर इनकी कविताओं से लहूलुहान होकर लौटा। दौड़ता हुआ सड़क पर आया, तभी एक पुलिस वाले ने मुझे निशाना बनाया। उसकी मुख मुद्रा देखकर ये जानकारी निकल रही थी कि उसको मुद्रा अंटाने की खुजली चल रही थी। हाय वाह, अंटाना, मुद्रा अंटाने की खुजली चल रही थी जी। मैंने मजा लूटने के लिए सुना दिया उसे कविता का प्रथम छंद। उसने कहा, रे बकवास बंद, अरे मतिमंद, कविता सुनाकर मुझे मत सता, दौड़ रहा है चल लाइसेंस बता। मैंने कहा, जी लाइसेंस वो भी दौड़ने का? वो बोला, हाँ टोल टैक्स भी चुका सड़क तोड़ने का। 100 रुपए का नोट लगेगा तुझे बाइज्जत छोड़ने का, वैसे अपना बिजनेस है लोगों की इज्जत मरोड़ने का। मैंने 100 रुपए देकर अपनी जान छुड़ाई और इस पूरे घटनाक्रम की एक कविता बनाई। यही कविता मैं एक कवि सम्मेलन में सुना रहा था। एक श्रोता को बड़ा मजा आ रहा था, खुजली खुद के चल रही थी, टांग पड़ोसी की खुजा रहा था। वाह, खुजली खुद के चल रही थी, टांग पड़ोसी की खुजा रहा था। अनायास खुजाए जाने से पड़ोसी चकरा गया। उसने पूछा, रे क्या हुआ? वह बोला, मजा आ गया। उसने कहा, रे तुझे तो मजा आ गया है, तुझ पर कमल जी की कविता का सुरूर चढ़ गया है, पर इधर तो देख भले आदमी, मेरे पाजामे में गड्ढा पड़ गया है। तुझे थोड़ा और, बहुत अच्छे, तुझे थोड़ा और मजा आया तो मामला बढ़ जाएगा। अभी तो पाजामे में छेद हुआ है, फिर पाँव में गड्ढा पड़ जाएगा। तो खुजली का ये रोग, भाई साहब हाँ। 2 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूँ कि खुजली का ये रोग, खुजली का ये रोग समाज में इस कदर बढ़ रहा है कि खुजली किसी के चल रही है, गड्ढा किसी के पड़ रहा है। खुजली किसी के चल रही है, गड्ढा किसी के पड़ रहा है। आप सब लोग बहुत आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं, और मैं तो ये जानता हूँ, हास्य का कवि हूँ, कि मजा क्या ले रहे हैं साहब, आप तो मजे को पी रहे हैं। 8-10 पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि कौन कहता है कि वह पीता नहीं है? कौन कहता है कि वह पीता नहीं है? अरे जो पीता नहीं है वह जीता ही नहीं है। वाह क्या बात है। और मैंने सिद्ध किया, सुनना साहब, कमल जी इसी बात में, कौन कहता है कि वो पीता नहीं है, जो पीता नहीं है वो पीता नहीं है। आप तो पिए जी। तो कौन कहता है कि वह पीता नहीं है? अरे जो पीता नहीं है वह जीता ही नहीं है। कोई खुशियों को पीता है, कोई खुशियों को पीता है, कोई पीता है गम को और भंवरा फूल को पीता है। सूरज पीता है तम को, सागर नदियों को पीते हैं, पर्वत पीते हैं बादल को, और जुल्पे संजीदगी पीती है, नयन पीते हैं काजल को। वाह 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 वाह। जुल्फे संजीदगी पीती है, नयन पीते हैं काजल को, और बालक ममता को पीता है, युवा पीता नजारों को, और लब लाली को पीते हैं, हुस्न पीता इशारों को। अरे वाह वाह। लब लाली को पीते हैं, हुस्न पीता इशारों को, गायक गीत को पीता है, शायर पीता शेरों को, कवि काव्य को पीता है, परिचय पीता गेरों को, कोई मेखानों से पीता है, कोई पैमानों से पीता है, कमल तो काव्य में डूबा, कद्रदानों से पीता है। ये जो खुजली की कविता सुनाई और अंत में का कमल तो काव्य का रसिक है, कद्रदानों से पीता है, बड़ी आपको गंभीर पंक्ति लगी। इसका अर्थ ये है कि कविता सुनाने के बाद कमल कद्रदानों को कहता है, अब पिला।
सच तो यही है, सच तो यही है। लेकिन जब पीने की बात चली है तो मैं उसे बुलाता हूँ जिसके गीत आप इस तरह से पियेंगे कि बरसों तक नहीं भूलेंगे, डॉक्टर कीर्ति काले। अभी कमल जी ने पीने पिलाने की बात कही, बहुत सारी स्थितियां गिनाई इन्होंने पीने की जी। एक गीत मैं सुनाती हूँ, जब मेरे पिया ने भंग पी तो क्या हुआ, क्या बात सुनी। मैं तो देख के रह गई दंग, मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई, मेरे पिया ने पी ली भंग, रंगत बदल गई। मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। अजब है हाल, बिखरे हुए हैं बाल, जिस ओर भी वो देखे देख को जगाए रे। तेरे होकर मस्त मलंग, रंगत बदल गई, मेरे पिया ने पी ली भंग, रंगत बदल गई। मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। मुझसे न रूठ नहीं बोलता मैं झूठ, क्या कहा उन्होंने, मुझसे न रूठ नहीं बोलता मैं झूठ, तू भी ले ले चार घूंट, तुझे चांद पे ले जाऊंगा। मुझसे न रूठ नहीं बोलता मैं झूठ, तू भी ले ले चार घूंट, तुझे चांद पे ले जाऊंगा। चांदी नहीं, सोना नहीं, और कुछ होना नहीं, हीरे मोतियों से जड़े हार दिलवाऊंगा। चढ़ा ऐसा फिल्मी रंग, रंगत बदल गई। चढ़ा ऐसा फिल्मी रंग, रंगत बदल गई। मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई, मेरे पिया ने पी ली भंग, रंगत बदल गई। भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी, हौले हौले मुझको वो गुल गुल बार बार कहने लगा। कभी कैटरीना, कभी आलिया, अनुष्का या दीपिका के रूप का खुमार कहने लगा। कभी कैटरीना, कभी आलिया, अनुष्का या दीपिका के रूप का खुमार कहने लगा। उतरा नशा जो धीरे धीरे होले होले तब, उतरा नशा जो धीरे धीरे होले होले तब, नास पीटा ललिता पवार कहने लगा। इस नई पीढ़ी की संगत बदल गई है कि कवियों के बीच में बैठने लगे। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं नई प्रतिभाओं को खोजता हूं, मुझे एक संतुष्टि मिलती है, मुझे एक एहसास होता है कि देश में जो प्रतिभाएं उन्हें आगे आना चाहिए। जिस जमाने में मैं हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पर आया था 10 बरस की उम्र में, तब साधन नहीं थे और
इस तरह से उंगली पकड़ने वाले लोग भी तब बहुत कम हुआ करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं होते थे, होते थे, जरूर होते थे, लेकिन कम हुआ करते थे। लेकिन मुझे लगा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए वाह भाई वाह के मंच से, ताकि नई नई प्रतिभाएं आगे आएं, और अगर वो प्रतिभाएं उत्तम होंगी तो जरूर उत्कर्ष पर पहुंचेंगी। रायबरेली का एक लड़का, बिल्कुल युवा, 20 साल का लड़का, अभी उसकी कलम कच्ची है, लेकिन यही हमारी ताकत है कि हम उन प्रतिभाओं को बुलाएंगे इस मंच पे, उनसे कविताएं पढ़ाएंगे, ताकि वो पक्की बात करेंगे, ज्यादा अच्छी बात करेंगे। उसी कड़ी में हम आपके सामने पेश कर रहे हैं आज एक हास्य कवि रायबरेली से, जिनका नाम है उत्कर्ष उत्तम। जोरदार ताली में स्वागत है। बहुत बहुत आभार सर। सर का आदेश था मैं आप सबके बीच हूँ। अच्छा, जब से आया हूँ सब लोग कह रहे हैं बहुत मोटे हो गए हो, पेट बहुत निकल आया। मैंने कहा कि एयर बैग हमेशा लग्जरी कारों में ही पाया जाता है। नौजवान दोस्त मेरे दिखाई दे रहे हैं, मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ और आपके मन की बात रखता हूँ। जब लड़कियां कहती हैं बाबू तुम मुझे कितना प्यार करते हो बताओ ना, मैं चार पंक्तियां आपको देता हूँ और वो पंक्ति आपके काम आएगी। मैं वो पंक्तियां पढ़ता हूँ कि संग संग रहूंगा मैं तेरे सदाचार की तरह, संग संग रहूंगा मैं सदाचार की तरह, खाने में मैं रहूंगा तेरे अचार की तरह, और सरकार की तरह तू चाहे जितना बदल ले, सरकार की तरह तू चाहे जितना बदल ले, पर मैं भी संग रहूंगा भ्रष्टाचार की तरह। बहुत बहुत आभार सर। आपके जमाने का प्रेम छोड़कर हम लोगों के जमाने के प्रेम में आते हैं। हमारे जमाने का क्या मतलब है? मतलब सर वो ओल्ड वाला प्रेम छोड़ के हमारा जमाना क्या निकल गया है? है? हम तुझे ओल्ड नजर आते हैं? मतलब दोस्त, मोहब्बत किसी भी उम्र में हो सजा देती है, लेकिन पुरानी शराब ही ज्यादा मजा देती है। जब नए जमाने का प्रेम होता वही सर धोया भिगोया और हो गया, तब ये चार पंक्तियां निकलती, मैं आपके बीच रखता हूँ। कि लल्ला था मुझको और वो लल्लू बना गई, साड़ी का अपनी मुझको वो पल्लू बना गई, लल्ला था मुझको और वो लल्लू बना गई, साड़ी का अपनी मुझको वो पल्लू बना गई, मुझसे रिचार्ज करवा के कहीं और व्यस्त है, मुझसे रिचार्ज करवा के कहीं और व्यस्त है, आखिर समझ में आया वो उल्लू बना गई। और चार पंक्तियां पढ़ता हूँ सर। मैंने कहीं कहा था कि हमको नशे से दूर है रहना सिखा रही, हमको 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 नशे से दूर है रहना सिखा रही, अपनी ही बात घर और बाहर चला रही, शर्मो हया से घूंघट चेहरा छिपा रही, देखा जुझरा गौर से गुटका चबा रही। बहुत बहुत आभार। ये बड़ा अद्भुत दृश्य है, वैसे घूंघट में है ना, और ये प्रेमी समझ रहा है कितनी शर्मीली है, किसी बात पे जवाब ही नहीं दे रही है। ये मुझे आज बाजार चलोगी तुम्हारे लिए कुछ लाट मुझसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे प्यार के चक्कर में 30 रुपए खराब हो गए मेरे। लड़कियां जो होती हैं सर बहुत फ्री माइंड होती है, उनसे पूछो कुछ और उनका जवाब कुछ होता है। अच्छा, तो एक लड़की से उसके पिता ने पूछा कि बेटा तुम्हारे लिए लड़का देखना है, कैसा लड़का देखा चाहिए, तो लड़की का जवाब सुनेगा। और लड़कियों का फेवरेट कलर याद रखना कि पेन को रिफिल जो कर दे वही इंक चाहिए, पेन को रिफिल जो कर दे वही इंक चाहिए, कर लेंगे सर्च सिर्फ हमको लिंक चाहिए, पापा ये बोले बेटा दूल्हा कैसा चाहिए, पापा ये बोले बेटा दूल्हा कैसा चाहिए, दूल्हे का कलर पापा हमें पिंक चाहिए। पर बहुत आरोप लगता, मैं आप सबकी पैरवी कर रहा हूँ, कि वो लड़का फिर से जिंदगी को जीने लगा है, वो लड़का फिर से जिंदगी को जीने लगा है, दिल का जो
जख्म था उसे भी सीने लगा है, दिल का जो जख्म था उसे भी सीने लगा है। घर दोस्त की शादी में अच्छा डांस भी कर ले, घर दोस्त की शादी में अच्छा डांस भी कर ले। तो अंटिया ये कहती ये भी पीने लगा। तुम 20 साल के हो और पहली बार टेलीविजन पे आए और आते ही देखो बड़े हो गए और तुमने वो पंक्तियां सुनाई कि सब नागिन डांस वाले खड़े हो गए। ये वही थे जिंदगी में आनंद हमेशा रहना चाहिए। और हम बढ़ते हैं हमारे उस सेगमेंट की ओर जो बड़ा आनंद देता है, उसका नाम है कहानी थोड़ी इल्मी है। फिल्म का एक दृश्य ये क्या कहते हैं देखते हैं, कहानी थोड़ी इल्मी है। अरे वाह। अच्छा राजेंद्र कुमार साहब हैं और परिवार पूरा बैठा है, बच्चा है, साधना जी है, तीनों परिवार मिलकर साथ में कुछ कर रहे। कुछ याद आता है किसी को परिवार देख के? कि कई दिनों के बाद मिला है मनचाहा इतवार, कई दिनों के बाद मिला है मनचाहा इतवार, कई दिनों के बाद साथ में खाना खाएंगे, खट्टी मीठी बातों को हंस कर दोहराएंगे, गुड्डू को कर लेंगे, गुड्डू को कर लेंगे, गुड्डू को कर लेंगे पूरे साथ दिनों का प्यार। कई दिनों के बाद मिला है मन चाहा इतवार, कई दिनों के बाद मिला है मन चाहा इतवार। भाई कमल माहेश्वरी, डॉक्टर कीर्ति काले और उत्कर्ष उत्तम ने कमाल कर दिया। अब मैं क्या कहूँ, मेरे कहने के लिए कुछ ज्यादा बचता नहीं है। तब एक शायर के मुझे दो शेर याद आते हैं कि चश्मे पूर्णम बही बही न बही, चश्मे पूर्णम बही बही न बही, जिंदगी है रही रही न रही, तुम कह दो जो तुम्हें कहना है, मेरा क्या है कही कही ना कही। वाह।